जैसा आदेश। देवी भागवत पुराण से एक कथा और भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी महाराज के चरित्रों पर आधारित एक भजन। तो बात उस समय की, श्रीमद देवी भागवत पुराण के अनुसार धूम्र लोचन के अत्याचार से देवता परेशान हो जाते हैं। इंद्र को अपनी गद्दी से हटा देते हैं, अपने सिंहासन से धूम्र लोचन हटा देते हैं। सारे देवता गंगा तट पर जाकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि मां, अब तुम ही इस अत्याचार से हमें बचा सकती हो। सब सान इंद्रासन भी छिन गई, बचाना अब कुछ हार। उसी समय पे माता पार्वती गंगा तट पर स्नान करने आती है और देवताओं से उनकी व्यथा का कारण पूछती है। क्या भारी अत्याचार, देवों ने मिलकर करी जग जननी से पुकार। क्या कहा? आज इंद्रदेव कहते हैं माता से कि मां, ओ मैया, दुष्टो तो देख कर मेरी मां, इन अधर्मियों ने इतना अत्याचार मचाया है, धर्म की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहने दी। दुष्टों को देख कर आज इसको यथा कहूं है, इसको यथा कहूं तो व्यथा, Let's go.
सारे देवताओं को अपने अपने अधिकार से इनने वंचित कर दिया है। छतर सिंह भैया जी आपकी ओर से 21 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या बात, अरे इसको हमारे सज्जू भैया जी राम सत्ता की दुनिया के जो सम्राट पुरुष मास्टर कहे जाते थे, हमारे स्वर्गीय श्री मंजू भैया के भीष्म जिस मंडल के जिनको कहते थे, आपकी ओर से आशीर्वाद मिला है भैया, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कैसे बताऊं आपको क्या हाल कर दिया, कैसे बताऊं आपको क्या हाल कर दिया, कैसे बताऊं आपको क्या हाल कर दिया। एमा कैसे आपको ये हाल बताऊं, क्या छीना है स्वर्ग हाथ से, पटेल साहब आम गांव वालों की ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद भैया जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या बात, की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो आज माता पार्वती देवताओं को यह वरदान देती है, कहती है, दिलासा दिलाती है कि धूम्रलोचन का अंत मैं करूंगी। आज माता रानी ने प्रण कर लिया और कहा इंद्रदेव को यह वचन देती है कि बच नहीं पाएंगे, माता पार्वती इंद्रदेव से कहती कि देव जिसने धर्म को हानि पहुंचाई है वो बच नहीं पाएंगे, अरे बच नहीं पाएंगे जो नीति के बने दुश्मन, अरे मैं ही डालूंगी आज उनकी लाशों पे कफन, मैं ही डालूंगी आज उनकी लाशों पे कफन, मैं ही डालूंगी आज उनकी लाशों पे कफन, मैं ही डालूंगी आज उनकी लाशों पे कफन। बच नहीं पाएंगे
वालों की ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और माता रानी दोनों पापियों का संहार कर देती है। आगे भगवान भोलेनाथ की कथा। बात उस समय की, देवता और दानवों में एक बार ये विचार हुआ कि समुद्र को अपनी रत्नों पर बड़ा घमंड है, क्यों ना इसका मंथन करके सारे रत्न बाहर निकाल लिए जाए। देवता और दानव दोनों मिलकर आज समुद्र मंथन करते हैं, विचार करते हैं क्या होता है। अरे सुर असुरों में हुआ ये चिंतन, किया जाए अब सागर मंथन। तुम सुनो कहानी भोले के पिस पाने की, ये सत्य कथा है। ओ ये सत्य कथा है, शिव भोले भगवान की। ₹251 रुपए की राशि परम सम्माननीय राजकुमार भैया पटेल साहब, आपकी ओर से मंजू भैया की याद में मंडल को प्रदान होते हैं। भैया जी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। गणेश प्रसाद जी हर बार आपकी ओर से 21 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप सुनो कहानी भोले के पिस पाने की। अरे ये सत्य कथा है सकल जगत कल्याण की, ये सत्य कथा है सकल जगत कल्याण की, ये सत्य कथा है सकल जगत कल्याण की। समुद्र मंथन से पहला रत्न ही हलाहल पिस निकला, ऐसी ज्वाला बरसी कि जीव दानव मानव सब अपने आप मरने लगे उसके तेज से। तो ये सत्य कथा है सकल विश्व कल्याण की, ये सत्य कथा है सकल जगत कल्याण की, ये सत्य कथा है सकल जगत कल्याण। सुर असुरों में हुआ है चिंतन, सुर असुरों में हुआ है चिंतन, सुर असुरों में हुआ है चिंतन, या जाय मिल सागर मंथन। अब सुनो कहानी भोले के पिस पान की, बोले
हमारे परम सम्मानीय कैलाश।